रहा है, फैल फैल के आ रहा है। चेयर लूंगा, एक चेयर चेयर बनवाती है तो नहीं तो कुछ चाहिए क्या भैया? वो चाहिए बड़ी सच्चे दरबार की शोक विनाशकारकं
नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज प्रथमे गुरु जी को वंदना और द्वितीय आदि गणेश तृतीय शिविरो मां शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश नमो नमो माता भजन शीष लाल देव लाली लस हरिधर लाल लंगूर वज्र देव दानव दलहन जय 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 कपीशूर शिव समान दाता नहीं विपद विदारण लज्जा सबकी राखियो नंदी के असवा चंद्र तपे सूरज तपे बुद्ध गण तपे आकाश इन सब से बढ़कर तपे सतियों का सुप्रकाश जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते तो जय 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 श्री श्याम की विनय करूं कर जो भूल क्षमा कर दीजिए देख भगत की त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव सर्वं मम देव I don't know.
Thank you.
वो लाल लंगोटे वाला माता अंजनी का लाला, माता अंजनी का लाला भक्तों के कष्ट मिटावे, विपदा को दूर भगावे, भक्तों को कष्ट मिटावे, विपदार को दूर भगावे। किसके किसके कष्ट मिटे, किसके किसके संकट मिटे, बोले हाथ उठाना और मिलकर तालियां बजाकर बोलना, क्या वो ऐसा Oh,
बैंकर जो अपनी चिंता कर रहे हैं कि घर में कैसे होगा, कारोबार कल कैसे चलेगा, उनकी चिंता बाबा नहीं करेंगे। लेकिन जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाबा का चिंतन करेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ उनकी चिंता वहां अंदर बैठ कर कर रहे हैं। अरे छोड़ो दुनिया की हमारा अशोक वाटिका में बैठा दिया। रामा दल में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, हर चेहरा उदास, हर आंखें गीली, प्रभु राम का भी मन बहुत विचलित था। और सात समुंदर पार कौन जाए,
सबकी आंखें आखिर में बालाजी महाराज पे जाकर टिकी और सबने बालाजी महाराज को उनका बल याद दिलाया। और जब बालाजी महाराज को अपना बल याद आया तो भगवान राम ने कहा, हनुमान ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते हो। बालाजी महाराज ने भगवान श्री राम के चरणों में नमन किया और कहा, प्रभु अगर आपकी आज्ञा होगी तो सात समुद्र को सौंप दूंगा मैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। और हनुमान जी महाराज भगवान राम के जयकार लगाते हुए उड़ चले, सात समंदर पार सोने की लंका में पहुंचे, अशोक वाटिका में पहुंचे और वहां देखा कि एक पेड़ के नीचे माता बैठी है। और माता का हाल देखकर हनुमान जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन चूंकि माता को अपना परिचय देना था इसलिए हनुमान जी महाराज उस पेड़ पर चढ़ गए जिस पेड़ के नीचे माता विराजमान थी। और हनुमान जी महाराज ने ऊपर पेड़ पर चढ़कर कीर्तन शुरू किया। कैसा कीर्तन? शिव नारायण नारायण लंका में मेरे राम प्रभु का नाम लेने वाला कौन आ गया। लेकिन अचानक उन्हें याद आया कि ये भी रावण की माया होगी। फिर माता उदास होकर बैठ गई। हनुमान जी महाराज ने सोचा ये तो गजब हो गया। तब हनुमान जी को याद आया कि चलते चलते प्रभु राम ने अपनी मुद्रिका दी थी और अपनी मुद्रिका भगवान राम ने जो मुद्रिका दी उस मुद्रिका को हनुमान जी महाराज ने धीरे से माता जानकी के चरणों के पास टपका दी। और उस मुद्रिका को देखकर माता का फिर ध्यान टूटा और फिर उस मुद्रिका को लेकर ये मेरे प्रभु राम की मुद्रिका है अपने सीने से लगाया, माथे से लगाया, चूमने लगी। लेकिन अचानक फिर उन्हें याद आया कि ये भी शायद रावण की माया है। हनुमान जी महाराज फिर उदास हो गए। अब उनके पास कोई चारा नहीं था और उन्होंने फिर वो किया जिसको देखकर माता भी एक बार अवाक रह गई। हनुमान जी महाराज ने उस पेड़ पर से नीचे छलांग लगाई, एक जोरदार जयकार लगाकर जय श्री राम। माता ने कांप गई और जब माता ने देखा कि एक वानर उसके प्रभु राम की जयकार लगाकर उनके सामने खड़ा है तो माता के चेहरे पर हंसी आई। लेकिन फिर उन्होंने फिर सोचा कि ये भी शायद रावण की माया है। तब बालाजी महाराज ने माता के चरणों को नमन किया और कहा, माते मैं आपके भावों को समझ गया हूं, मैं प्रभु राम का सेवक हूं और प्रभु राम ने मुझे आपकी हाथ के हालात पूछने के लिए भेजा है। और मत घबराओ मां, बस कुछ समय की बात है, मैं जाकर आपकी खबर मेरे आराध्य प्रभु राम को दूंगा और उसके बाद प्रभु राम सेना लेकर लंका पर चढ़ाई करेंगे। माता ने असमंजस के अभाव में इशारों में पूछा, क्या मेरे राम वानरों की सेना लेकर आएंगे? क्या वानर लंका विजयी कर पाएंगे? तब हनुमान जी महाराज ने माता को नमन किया और अपना विशाल काय शरीर दिखाया और कहा, मां ये तो मेरे राम प्रभु की आज्ञा नहीं है, वरना रावण की क्या औकात है, एक मुक्के में मारकर पाताल भेज दो उसे। मेरे राम प्रभु की आज्ञा नहीं है, एक एक वानर हजारों सैनिकों पर भारी पड़ेगा। और फिर जब भगवान राम के पास जाने का समय आया
तो सारे लोगों ने क्या मिलकर गाया, आइए मिलकर मूर्ख। अरे मूर्ख,
रावण अभिमान करे हनुमत जी समझावे। हनुमत जी समझावे है श्री राम का नाम जपो रावण को बतलावे। रावण अभिमान करे हनुमत जी मुस्कावे। श्री राम का नाम जपो रावण को समझावे। किताब किताब दे दिया भाई जी किताब।
बोलिए बजरंग बली महाराज की। देखिए प्रेमियों, ये बालाजी महाराज की ध्वजा जिस घर में लग जाती है उस घर के सारे संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए हर छत पर यह ध्वजा लगाइए, यहां से ध्वजा मांग कर ले जाइए और अपने घर की छत पर ध्वजा लगाइए। मैं आपको दिल से यह बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने भी अनुराग जी से निवेदन किया था कि एक ध्वजा बालाजी महाराज की मुझे अपने घर की छत पर लगानी है, और वह ध्वजा भाई जी ने मुझे लाकर यहां दरबार से ला कर दी। लेकिन जब तक इनकी मर्जी नहीं होती तब तक कुछ भी संभव नहीं होता। काफी दिन तक वह ध्वजा घर में विराजमान रही, लेकिन चंद दिनों पहले 31 मार्च को बालाजी महाराज की ध्वजा मैंने अपने घर के ऊपर छत पर लगाई, और मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकता, मैं आपको बता नहीं सकता कि ध्वजा लगने के 5 मिनट बाद से मन के भाव चेंज होने लगे। 5 मिनट बाद से शरीर ऐसा लगने लगा कि बिल्कुल हल्का हो गया, मन उड़ने लग गया। सचमुच में इस ध्वजा में बहुत बड़ी करामात है, इसलिए जिनके घर पर यह ध्वजा नहीं लगी हो वह ध्वजा ले जाए और अपने घर के छत पर, अपने मकान की छत पर, अपने फ्लैट के बाहर यह ध्वजा जरूर लगाएं, और फिर देखिए ध्वजा क्या काम करती है। आइए। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली, I'm gonna make you mine।
दादा नंदा शेख ने
आइए बालाजी महाराज का आज जन्म हुआ है, सबको मिलकर बधाइयां बांटेंगे। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा, कोई भी खाली नहीं जाएगा, सबको मिलकर बधाइयां बांटेंगे, सबको बधाई मिलेगी। Yeah.
अच्छा
अरे भैया ढोलक का देखो ना, आप बोलते हो इतना आवाज इतना आवाज, वो मेरा लुकआउट थोड़ी ना आपका लुकआउट है, देखो उसको कहाँ बजा है। पहले अच्छा बज रहा था, अभी 5 मिनट में पहले जैसा बजा हो गया। अरे होगा कोई बात नहीं, कहते हैं लोग इन्हें, अरे कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। सब कोई खड़े हो जाएंगे, आखिरी कुछ बाबा का चरण में सब कोई खुद कूद कर नाच नाच कर मिलकर बोलेंगे अरे छमे छमे। Thank you.
भाई बस चल लाएंगे बाबा के दरबार में सब कोई मस्ती लूट कर, और फिर अगले हनुमान जयंती महोत्सव तक सबके घर में इसी तरह मस्तियां बरसती रहे, मिलकर गाएंगे। ऐसी मस्ती कहां मिलेगी, ऐसी मस्ती कहां मिलेगी, राम राम रस पीने मस्ती 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 Oh,
बोले गुरु जी महाराज की, बोले भक्त और भगवान की, बोले आज के आनंद की। परमादरणीय गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, और बाबा के चरणों में नमन करते हुए यही